हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और एमएस वर्ल्ड की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एमएस वर्ल्ड की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो आइए देखिए, जैसे कि ये है बुलेट्स, ये है नंबरिंग, ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, ये है अलाइनमेंट और ये सब लाइन स्पेसिंग इंडेंट। आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अलाइनमेंट। जैसे कि मान लीजिए हमने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था कि जहां भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है या कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको वो एरिया क्या करना पड़ेगा, पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और इसमें लेफ्ट इंडेंट लगा देंगे, क्या लेफ्ट अलाइनमेंट लगा देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट था आपका बराबरी अलाइन हो गया। देखिए यहाँ पे लाइन देखिए और ये देखिए यहाँ पे, तो लेफ्ट से हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कौन सा लगाएंगे, मिडिल वाला। मिडिल वाले में देखिए आप लोग इसमें देख सकते हैं लाइन ये यहां से शुरू है, फिर ये मिडिल अलाइनमेंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट करेंगे। राइट में क्या है, जैसे आपका लेफ्ट में ये था, यहां पे ये लेफ्ट से इंड हुआ था, ये मिडिल में इंड हुआ था, ये कहां पे इंड हुआ है, ये आपका राइट पे इंड हुआ है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या लगाएंगे, एक तो बच जाता जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, आइए देखते हैं चेंजेस। जस्टिफाई कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, बस आपका जो भी वर्ड या पैराग्राफ या सेंटेंस लिखा है उसको बराबरी एक लाइन में कर देता है, जैसे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं उसी तरह से। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जैसे कि ये लिखा है सेव टाइम, अब ये व्हेन यू और ए और साइन ये सब अलग अलग उसमें है। ठीक है, हम लोग जैसे ही इसको करेंगे देखिए पिक्चर और ए ये अपने से वर्ड को ऊपर नीचे कर देगा और अलाइनमेंट को बराबर कर देगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं बुलेट्स क्या है, नंबर क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या है। इसके लिए इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए बुलेट्स क्या होता है, जैसे कि आपको कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, वहां पे आपको नंबर नहीं लिखना है, अल्फाबेट नहीं लिखना, आपको साइन लगाना है कोई भी, तो उसके लिए देखिए बुलेट है, ये एरो पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको साइन मिल जाएंगे। हमने कहा हमें ये साइन लगाना है, तो जैसे ही अब हम कुछ लिखेंगे वैसे ही जैसे MS वर्ल्ड इंटर, फिर वो आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे MS एक्सेल, फिर इंटर। ठीक है, फिर हम लिख देंगे कंप्यूटर, फिर इंटर, फिर हम लिख देंगे कीबोर्ड, फिर इंटर। तो ऐसे देखिए जैसे ही हम लिस्ट बना रहे हैं और हमने जो भी बुलेट या साइन जो भी चूज किया है वही आपका नंबरिंग की जगह वो आ रहा है। ठीक है, अब आप ब्लैंक के बात करेंगे तो नहीं होगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ भी। ठीक है, जैसे ब्लैंक छोड़कर हम इंटर करेंगे तो क्या होगा, वो हट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं नंबर। इसमें क्या क्या है, आपको नंबर है, अल्फाबेट है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 1 2 3 नंबर है, दूसरा 1 2 3 नंबर है पर इसके आगे ब्रैकेट लगा है, तीसरा रोमन में है, फिर उसके बाद ABCD है कैपिटल, उसके बाद स्मॉल ABCD है ब्रैकेट के साथ, फिर स्मॉल ABCD है विदाउट ब्रैकेट, और फिर स्मॉल कह लीजिए इसको आपका रोमन नंबर है। तो हम कहते हैं हमें ये चाहिए ABCD। अब सेम चीज यहां भी होगा, देखिए MS वर्ल्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर, माउस। अभी क्या हो रहा था आपका, अभी क्या हो रहा था, साइन लग रहा था, अब क्या लग रहा है, अल्फाबेट या नंबर, जो आप चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब मल्टी लेवल लिस्ट में देखिए दोस्तों क्या है, इसमें कई प्रकार के लिस्ट बनते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी के अंडर कुछ आता है उसके अंडर कुछ आएगा तो वहां पे ये लिस्ट बनेगी। ठीक है, आइए पहले ही हम यही बाय डिफॉल्ट चूज कर लेते हैं। अब यहां पे हम लिख देते हैं MS ऑफिस,
ठीक है, एमएस ऑफिस लिख के हमने इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद हमें एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड एमएस एक्सेल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैब करेंगे। टैब करेंगे तो हम एमएस ऑफिस के अंदर आ गए और हम यहाँ लिख देंगे एमएस एक्सेल, फिर इंटर करेंगे। अब आपको इसके अंदर भी जाइए, फिर टैब करेंगे तो हम कहाँ आ गए, थर्ड स्टेप। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। ये अलग अलग लेवल है आपका, पहला ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है, तीसरा ये लेवल है। आइए इसमें एक और लेवल चूज कर लेते हैं, ये वाला। देखिए इसमें अलग अलग साइन है, ठीक है, हमने लिख दिया क्रिकेट, इंटर। अब हमको क्रिकेट के अंदर जाना है, हमने टैब किया, देखिए साइन चेंज हो गया, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब वनडे के अंदर भी हमें चाहिए तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर देखिए साइन चेंज हो गया क्योंकि हम अलग स्टेप पे आ गए। अब बैक जाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। देखिए शिफ्ट टैब के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, बैक। जैसे क्रिकेट हो गया, अब हम फर्स्ट ही लिस्ट में क्या लिखना था, फुटबॉल, तो हम वही कर लेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट जाने के लिए फिर टैब, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमारी क्या बनती है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, लाइन स्पेसिंग और इंडेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग के लिए हम लोग यहाँ कुछ लिख लेते हैं। उसके लिए एक कमांड होता है, इज इक्वल टू RAND, रैंड और दो ब्रैकेट, इंटर करिए। देखिए आपका ये बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड का, एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ल्ड का ही ये बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, इसलिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लाइन स्पेसिंग चूज करते हैं, 1.0, 1.15, 1.52, 2.53, जितना भी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे लाइन स्पेसिंग लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बगल वाला करते हैं, ये है इंडेंट, ये आपका डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज है। इंक्रीज पे करेंगे तो देखिए पूरा आपका जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया था वो कहाँ जा रहा है, राइट में, और डिक्रीज से करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है दोस्तों। ये आपका होता है शेडिंग, शेडिंग मतलब कलर भरना, ठीक है। अब देखिए जो कलर हम यहाँ चूज करेंगे सेलेक्ट करके शेडिंग के बाद, वो कलर कहाँ अप्लाई हो जाएगा, सेलेक्टेड एरिया में। आपको फिर कोई चेंजेस करने हैं फिर यहाँ आएंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। देखिए अब ब्लैक में हो गया, ठीक है, तो शेडिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा बॉर्डर, इसमें एरो में क्लिक करेंगे तो बॉटम बॉर्डर मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है वहां बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ये सब लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक लिस्ट लिख लेते हैं, सोनी, सैमसंग, एलजी, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पे बॉर्डर लगा के आप लोगों को चेंजेस दिखाता हूँ। देखिए बॉटम में मतलब एलजी के नीचे लग गया, टॉप में सोनी के ऊपर, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर में तीनों में, बीच में भी बॉर्डर, ऊपर भी, बगल में भी, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम और मिडिल में, आउटसाइड में मिडिल वाला हट जाएगा, सिर्फ आउटसाइड रहेगा, इनसाइड में सिर्फ इनसाइड वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये हम जो भी बॉर्डर यहाँ पे चूज कर लेंगे वो बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा सिलेक्टेड एरिया में, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है आप इसको ABCD के क्रम में लिख सकते हैं, A से लेके Z के क्रम में, या Z से लेके A के क्रम में, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी क्रम में, ठीक है। आइए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे सॉर्टिंग में आएंगे। आपको कोई चेंजेस नहीं करने, बस आपको यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग चेक करके उसको ओके करना है। देखिए एल पहले आता है इसलिए LG, फिर SA सैमसंग, फिर SO सोनी, ठीक है। चेंजेस करेंगे फिर हम डिसेंडिंग करेंगे ओके, तो पहले सोनी फिर सैमसंग फिर LG, ठीक
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।